कैंसर वॉरियर्स यहाँ थे, वो भी बैठे होते, क्योंकि उनकी कहानी सुन के सभी को, क्योंकि कैंसर जब एक ऐसा फोबिया है, इंसान सुन के ही आधा खत्म हो जाता है, लेकिन उससे जीतना एक बहुत बड़ी बात है। तो पहले तो सल्यूट है उनको। अब मैंने मम्मी को तैयार किया, ब्रदर कि आपने जाना है, आपने बोलना है। तो इन्होंने कहा कि मैं बोल नहीं पाऊंगी, मैं वही बोलूँगी, वही बात। तो कहानी कुछ इस तरह की है कि तेरे बारे में तो जानते हैं सब, सोशल मीडिया पर सब कुछ है। मम्मी के बारे में ये है कि एक वक्त वो भी था कि हमारी पढ़ाई के लिए पैसे नहीं देते, जब मम्मी ने सोने की कान की थालियाँ तक भेजी थी। तो मुझे आज भी वो याद है दिन। और मैंने तो सोचा था कि चलो पढ़ाई में कुछ करूँ या नहीं करूँ, लेकिन काम शाम इतना कम से कम तुम करूँगा कि वो जो उन्होंने बेचा वो वापस ला के देंगे। तो ऐसी बड़ी सारी चीज़ें हुई हैं। और एक समय ऐसा भी था कि हम तो हमारी पढ़ाई के लिए फीस वगैरह नहीं होती थी, तो इन्होंने एक दुकान पे भी काम किया। उस टाइम मुझे बड़ा दुख होता था कि इनको दुकान पे काम करना पड़ रहा है, लेकिन उस टाइम हम एट नाइन्थ में थे, हम टेंथ में, छोटा मैं से दो साल छोटा है, तो सिक्स सेवन्थ में था। लेकिन जब टेंथ कर ली तो फिर मुझे लगा कि नहीं, अब मैं थोड़ा बहुत काम कर सकता हूँ। तो सिटी केबल मैंने ज्वाइन किया था, फिर इनको मैंने दुकान से काम छुड़वा दिया। वैसे वो दुकान पर ऐसी वैसी दुकान थी, मासी जी की दुकान थी हमारी, तो कोई टेंशन नहीं थी, लेकिन मैंने कहा नहीं आपने काम नहीं करना। तो वो दिन और आज का दिन कभी इनको काम करने नहीं दिया मैंने, और इनके आशीर्वाद से आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। और सिर्फ मैं ही नहीं, यहाँ जितने लोग बैठे हैं इन सब पे अपनी माता पिता का आशीर्वाद है, तभी यहाँ तक पहुँचे हैं। हम भगवान को तो मानते हैं, लेकिन जो भगवान ना किसी ने देखा है, भगवान हमारे सामने माता पिता ही है। इसीलिए कई बार जब मदर्स डे आता ना, तो सभी लोग ना पोस्ट करते हैं, मैं कभी नहीं करता। मैं इसलिए नहीं करता क्योंकि मुझे लगता है कि मदर डे डेली है, कोई एक दिन मदर डे या फादर डे नहीं होता, वो हमारे हर दिन होता है। हम एक दिन पोस्ट करें, स्टेटस डालें लोगों को बताने के लिए, और बाकी दिन अपने माँ बाप को पूछे ना, क्योंकि आज भी जब आप वृद्ध आश्रम में जाओ तो कितने माँ बाप वहाँ बैठे हुए हैं, और उनके बच्चे कोई अपनी बारिश के कहने के ऊपर अपनी माँ को वहाँ छोड़ा है या पिता को छोड़ा है। तो हमें वो सब चीज़ें देख के अपने माँ बाप को पूरी तरह से उनके साथ रहना चाहिए। यहाँ पे जितने सभी लोग बैठे हैं सबको मैं जानता हूँ, किसी को नहीं भी जानता हूँ, इसलिए माफी चाहता हूँ। तो सुम मैडम आज की नहीं मैं जानती है, जब मैंने मुझे दाढ़ी पूछी नहीं तब से जानती है। तो हमने इकट्ठे काम किया मैम के साथ, 10 साल काम किया। ये तो इतने बड़े सीनियर आर्टिस्ट हैं, इनके साथ मुझे भी काम करने का मौका मिला, और आज भी जब कभी मैं कुछ पूछना होता तो इनसे पूछता रहता हूँ। छोटी बच्ची ख्वाहिश है, इसको देख के मुझे ऐसा लगता है कि ये भी उसी तरह से कदम बढ़ा रही है जैसे कभी मैंने बढ़ाए थे। और मैं चाहूँगा कि जो हमारे यंगस्टर्स हैं उनको ज़रूर सपोर्ट मिलनी चाहिए। मेरे यहाँ पर दीपक खजूरिया जी बैठे हैं, इनके साथ मैंने कोई 4 साल 5 साल नहीं ज़्यादा ही काम किया है, लेकिन ज़्यादा मैं कहते 4-5 साल हमने काम किया एक साथ, जो मतलब एक साथ एक ही चैनल में, बाकी तो अब काम करते हैं 20-21 सालों में। तो आज मैं अगर फेसबुक पे कुछ लिखता हूँ, कुछ टिप्पणियाँ करता हूँ लीडरों के खिलाफ, तो इनसे ही मैंने सीखा हुआ है, क्योंकि इनकी इनका लिखना स्क्रिप्टिंग बड़ी अच्छी है, उन्होंने अखबार में काम किया, टीवी में बड़ी जगह, तो इनके जो राइटिंग स्किल्स हैं वो मैंने थोड़े थोड़े चोरी किए हुए, तो मैं लिखता जो भी हूँ वो इनको श्रेय जाता है। और बड़े सारे लोगों का हमारे ऊपर आशीर्वाद रहा जहाँ तक आज हम पहुँचे हैं। और मम्मी ने एक बात नहीं बताई कि जब ये बाजार में जाते हैं तो इनको सब लोग पहचानते हैं, और कई बार मुझे कहते हैं कि आज सब्जी जो है सस्ती मिल गई, सब्जी के साथ धनिया भी जरूर देना, कोली साहब फोन चला देंगे, यूं चला देंगे। तो ये कुछ भी होता है, सो यही बाकी स्टोरी है। और मैं आप सभी से कहूंगा, जो लोग भी इस वीडियो को देखेंगे उनके माँ बाप ने अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ किया है, हमें अपने माँ बाप के लिए भी सब कुछ करना है, और यही जिंदगी है। अगर अपने माँ बाप के लिए कुछ नहीं करेंगे तो आने वाले टाइम पे हमारे जो बच्चे होंगे वो भी हमारे साथ इस तरह से ही ट्रीट करेंगे। एक मूवी थी जैसी करनी वैसी भरनी, अगर आप लोगों ने देखी होगी, जो यंगस्टर ने कशिश ने नहीं देखी होगी, तो यंगस्टर तो उन्होंने देखी होगी, लेकिन सभी ने बाकी देखी होगी, गोविंदा है, अंकिता ने पता नहीं देखी, अंकिता ने नहीं देखी,
गोविंदा और शक्ति कपूर आप जरूर देखना, उसमें यही बताया है कि शक्ति कपूर अपने पिता कादर खान की कदर नहीं करता है, तो बाद में जब शक्ति कपूर का बेटा गोविंदा होता है तो वो भी अपने पिता की कदर नहीं करता है। तो एक लेसन है, बागबान उसी का आज का वर्षन है। तो हमें अपने माँ बाप की जरूर इज्जत करनी है। और मैं मोक्षा जी को बड़ा मुबारकबाद दूंगा, क्योंकि लोग हमें तो बुलाते हैं, मुझे कुसुम जी को बुलाते हैं, आपको बुलाते हैं, लेकिन हमारे घर वालों को कोई नहीं बुलाता। तो ये एक नया चीज है कि इन्होंने पहला मौका दिया है, मुझे भी बुलाते हैं, मेरी वाइफ को बुलाते हैं, मम्मी को पहली बार बुलाया। और मोक्षा जी और अंकुर जी से मिले जान पहचान काफी हो गई है, और इनकी एक बात दोनों की मुझे हमेशा याद रहती है कि जब भी मैं मोहिनी की स्टोरी करता हूँ ना, मोहिनी आपने देखी होगी, एलिफेंट है, तो मैं जब भी करता हूँ तो इनका बेटा वो वीडियो जरूर देखता है। तो इसलिए मैं जब भी मोहिनी की स्टोरी करता हूँ तो इनके बेटे के लिए वो स्पेशल स्टोरी करता हूँ, क्योंकि उसे बड़ा पसंद है कि मोहिनी की स्टोरी देखनी है टीवी पे। थैंक यू सभी को, दिव्यानी, सभी जितने भी लोग हैं, सोनल जी मेरी बहन है, बाकी सब कुसुम जी, आप सभी का धन्यवाद।